नोटबंदी के एक महीने बाद भी शाखाओं और एटीएम के आगे कतारें कम नहीं हो रही हैं। इधर 500 के पुराने नोट के इस्तेमाल की कुछ और सुविधाएं खत्म हो रही हैं। 10 दिसंबर से रेलवे टिकट, सरकारी बसें और मेट्रो में 500 के पुराने नोट नहीं चलेंगे। पहले सरकार ने ये मियाद 15 दिसंबर तक की थी। सरकार अब ये बताने में जुटी है कि उसका पूरा जोर लेन देन की प्रक्रिया को कैशलेस यानी बिना नकदी के बनाने की है। गुरुवार को वित्त मंत्री ने इसे बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट से कुछ खास खरीदारियों पर कुछ रियायतों का भी ऐलान किया। जो डिजिटल मोड में पेट्रोल डीजल खरीदेगा उसे 0.75% कम दर पे ये उपलब्ध कराया जाएगा। 10,000 की आबादी वाले 1,00,000 गांव में 2 POS मशीन मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिन किसानों के पास क्रेडिट कार्ड है उन्हें रुपए कार्ड मिलेंगे। लोकल ट्रेन में मासिक और सीजनल टिकट पर 0.5% की छूट मिलेगी। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पर 10,00,000 रुपए का बीमा होगा। सरकारी बीमा कंपनियों से पॉलिसी लेने पर जनरल इंश्योरेंस में 10% और लाइफ इंश्योरेंस में 8% छूट मिलेगी। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मौजूदा स्थिति में कैश के स्थान पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे सरकार का एम्फेसिस है, इसके माध्यम से उसको और तेज किया जाए। गांव में बसे इस देश में बिना नकदी के लेन देन की कवायद किस हद तक सफल हो पाएगी, विपक्ष के पास भी इसको लेकर सवाल कम नहीं है। सी ऑलरेडी 90% ट्रांजैक्शंस इन इंडिया इन कैश। इज इट गोइंग टू सॉल्व विद इन 1 month, 2 months, 3 months? इट टेक्स टाइम एंड सिंपली गिविंग सो मेनी प्रपोजल्स, सो मेनी इश्यूइंग सो मेनी फरमान्स विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। करीब 1.5 महीने देश तब सकते में रह गया था जब 32,00,000 लोगों के डेबिट कार्ड की गोपनीय सूचनाएं चोरी होने की जानकारी सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI को अपने 6,00,000 ग्राहकों के डेबिट कार्ड ब्लॉक करने पड़े थे। सवाल है, जब कैशलेस की कोशिश में बेतहाशा ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तब क्या होगा? APN ने इस बारे में अपने एक खास शो में साइबर लॉ एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। करने का आपसे जानना चाहूंगी, क्लोनिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग भी हो जाती है, ये किस तरह से इसे किया जाता है और इसमें बचने का तरीका क्या हो सकता है? जी, कई बार क्या होता है कि हमने देखा है कि स्किमिंग बहुत इजीली हो रही है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड अगर आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो अगर वो मशीन में सिंगल टाइम स्वाइप हो रहा है या नहीं, वो आपकी नजरों के सामने हो रहा है या नहीं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। कई बार लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कोई बिल पे कर रहे हैं तो वो अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं और ये नहीं देखते कि वो कितनी बार स्वाइप किया गया और किस किस मशीन पे लगाया गया। अगर वो किसी स्किमर मशीन पे लग गया तो मतलब वो कार्ड क्लोन हो जाएगा, उसकी आराम से जो पासवर्ड है और जितनी भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो उसमें कॉपी हो जाएगी और डुप्लीकेट कार्ड बन सकता है। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखें कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड यूज करें तो उस टाइम पे हमें ये किस मशीन पे स्वाइप हो रहा अपने आंखों के सामने उसे होते हुए देखें। जाहिर है एक झटके में देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर से ले जाना आसान नहीं। डिजिटल लेन देन के लिए जहां सर्वर का पूरा सपोर्ट जरूरी है, वहीं इस लेन देन को 100% सुरक्षित बनाने की चुनौती रहेगी। फिर बड़ा सवाल ये है कि सरकार की योजना अगर कैशलेस सोसाइटी की है तो क्या इसके लिए नोटबंदी जरूरी थी? ब्यूरो रिपोर्ट, APN।